ओए होए होए होए, क्या हवा दे रहा है भाई। मज़ा आ गया भाई, बहुत तेज़ हवा है। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, मतलब जिस रेट में आता है। बैक साइड में ढक्कन भी है, 3 साल भी लग जाता है। ओवरऑल ठीक ठाक है, ज़्यादा खास भी नहीं कह सकते, नॉर्मल बढ़िया है। लेकिन मतलब हवा अच्छी दे रहा है। तार वगैरह लगाओ, बैटरी लगाओ, सब चलता है भाई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिनी एसी के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया थी इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग, आज मैं बात करने वाला हूँ इसके पूरे रिव्यू के बारे में। कैसे है इसका यूजेज है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और तो और क्या परफॉर्मेंस ये देता है, या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। आज इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं हम, ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें करने से, यूज़ करने से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर निकल के आती है, और कूलिंग कैसी ये देता है। भाई ये आ गया है भाई, मिनी एसी, मिनी कूलर कह लो इसे। बट इसका जो मैं अभी फैक्ट वाला रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें सबसे पहली बात मैं बात करूँगा, 3 चीज़ों पर बात करूँगा। ये जो कूलर है बेसिकली, इसमें यहाँ पर आप आइस, बेसिकली आइस रख सकते हो, एंड आइस से कूलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता भाई। ये सिर्फ नाम के लिए आइस रखी जाती है, पानी भरोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए आएगी। क्योंकि अगर आप इसमें रखोगे भी ना, तो यहाँ से अगर आप कूलिंग एक्सपेक्ट करोगे कि कूलर आएगी, ठंडी हवा आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, नाम के लिए लगा रखा है। बाकी पंखे की बात करें, मतलब हवा की बात करें, तो वो काफ़ी तेज़ मिल जाती है इसको देखने में। मतलब अगर आप 250-300 के प्रोडक्ट की बात करो और उसमें इतनी तेज़ हवा, तो वर्थ इट है इस प्राइस में, वर्थ इट है, हवा ये देता है जो। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, बिल्ड क्वालिटी में ठीक ठाक है, मतलब मैं ज़्यादा खास नहीं कहूँगा, बट वैल्यू है, जितने का रेट है उस हिसाब से तो वैल्यू है। पीछे आपको ट्रिपल ए जो है सेल लगाने पड़ते, डबल ए सेल लगाने पड़ते हैं, बैक साइड पे 3 सेल लगते हैं इसमें। 3 सेल में भी अगर आप रिचार्जेबल लगाओगे, रिचार्जेबल लगा लो, बाकी इसका डायरेक्ट कनेक्शन भी कर सकते हो। डायरेक्ट इसमें इसकी केबल मिलती है साथ में, पावर बैंक के थ्रू ये ऑन हो जाता है, चल भी जाता है। स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आता, नॉर्मल अगर आप लगाओगे, पावर बैंक के थ्रू लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, और नॉर्मल लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। स्पीड कंट्रोलिंग के लिए कुछ नहीं दे रखा, बट बेसिक सा है ये कि हाँ भाई, आपको थोड़ी बहुत गर्मी सी लग रही है तो उसके लिए थोड़ा बहुत ठीक है। बट ऑन टेबल की बात करें, अगर हम इसे टेबल पर रख के इसकी हवा खाने की बात करें, हवा दे देता है, बट अगर आपके आसपास की हवा ठंडी हुई तभी ये ठंडी हवा देगा, गर्म होगी तो भाई वही सेम हवा ये फेंकता है। मतलब जैसे हमारा पंखा चलता है, सेम वो हवा फेंकता है। बट ये क्या होता है कि छोटा है, आपके फेस पे फेंकोगे तो फेस पे फेंकेगा ये, अगर आप वैसे करोगे तो वैसे करेगा। और अब बेसिकली इसके प्राइसिंग की बात करते हैं, मैंने आपको इसका वो बता दिया, चार्जिंग वगैरह, चार्ज वगैरह कुछ नहीं होता भाई, ये सीधा डायरेक्ट लगता है, चार्ज वगैरह का कोई हिसाब नहीं है, सीधा आप इसको लगाओगे, प्लग इन प्ले भी है, 3 सेल लगा लोगे 3 सेल से भी चल जाता है, हवा जो है बेसिक है। अच्छा हाँ, मेन बात प्राइसिंग से बात पहले बात करते हैं हम इसकी आवाज़ की। भाई आवाज़ बहुत करता है ये, मतलब अगर आप रखोगे और रखने के बाद इसे चलाओगे तो आवाज़ थोड़ी सी करेगा ये, मतलब इतनी नहीं है कि बहुत बिल्कुल जनरेटर जैसी आवाज़ करता है, ऐसा नहीं है, बट बेसिकली आवाज़ करता है ये, क्योंकि इसकी बॉडी आवाज़ करती है, ये आवाज़ नहीं करता, इसकी बॉडी आवाज़ करती है। तो बॉडी के हिसाब से मतलब ठीक है, मतलब रेट, अब इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, ये आराम से आपको 300-350 रुपये में मिल जाएगा, और अगर आप लोकल मार्केट से बाय करोगे तो शायद और सस्ता भी मिल जाए। तो 300-350 रुपये के हिसाब से भाई वर्थ इट है प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर भी आता है, 1,000 वाला भी आता है, 1,000 वाले की अलग क्वालिटी है, बट 1,000 वाले में भी कुछ डीमेरिट्स है, वो भी मैं आपको, मतलब मेरे पास है उसकी वीडियो आएगी अलग से, उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों आएंगी, उसमें खासियत भी है नुकसान भी है, वो आपको उसी में पता चलेगा। इसकी मैं बात करूँ भाई, ये 250-300 तक के वैल्यू फॉर मनी है, इससे ज़्यादा लोगे तो बेकार है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, 300-350 तक के लिए वैल्यू फॉर मनी है। आप अगर टेबल पर रख रहे हो, जैसे अगर आपको टेबल पर रखना है, गर्मी लग रही है, लैपटॉप वर्क कर रहे हो, पंखा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, या पंखा चल भी रहा है, या एसी चल रहा है, एसी में भी आपको जैसे होता है ना, एक फटाफट ठंडी हवा चाहिए होती है, आप इसे रखोगे फेस के सामने रखोगे तो आपका जो स्वेटिंग है वो सारी सूख जाएगी, इतनी पावरफुल इसकी मोटर है, जो हवा देता है, हवा देता है भाई। बट ये इसका, ये जो डाल रखा है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बर्फ़ डालो, पानी डालो, कुछ नहीं डालो, हवा ये वही देगा जो इसके साइड से हवा निकल, साइड से हवा ये इनटेक करता है और बाहर ये फेंकता है। तो बस इसमें मिनी एसी का तो यही एक रिव्यू है, बाकी 350 मैंने आपको बता दिया वैल्यू फॉर मनी, 300-350 में वैल्यू फॉर मनी है, वैसे तो इससे महंगा लोगे तो बेकार है ना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो गॉड ब्लेस यू ऑल।